उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर थाना क्षेत्र में एक 10वीं की छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने आत्महत्या करने के लिए जहर खा लिया, जिसके बाद छात्रा के परिजनों द्वारा उसे रुद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा को होश आने के बाद परिजनों और पुलिस द्वारा नाबालिग छात्रा से आत्महत्या करने का कारण पूछा गया, तो कारण सुनकर परिजनों सहित पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने बताया कि उसके साथ एक युवक द्वारा जबरन दुष्कर्म किया गया और इससे मानसिक तनाव में थी, जिस कारण उसने आत्महत्या करने के लिए विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। छात्रा ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक द्वारा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया और इस बात की जानकारी किसी को भी देने पर परिवार सहित छात्रा को जान से मारने की धमकी दी गई। इससे वह परेशान थी और उसने मौत को गले लगाने के लिए विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। रुद्रपुर के सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पंतनगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक भी नाबालिग बताया जा रहा है। पंतनगर उधम सिंह नगर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। इसमें 27 अगस्त को एक पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें नाबालिग बच्ची है और नाबालिग ही विधि विवादित किशोर है, तो इनका प्रेम प्रसंग का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें लड़की द्वारा कुछ विषाक्त पदार्थ खा लिया गया था, जिसके उपरांत उसको मेडिसिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो पुलिस को सूचना मिलते ही पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कल 3 सितंबर को जुनाइल बोर्ड के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया गया है। लड़की आरोपी आरोपी